अर्जुन है कबड्डी। हे काली मैया, काली देवी जी महाराज ना मिले जाए मंत्री, और जब हम मंत्री बन जाए तो डबल मंत्री बनवा दे। डबल मंत्री बनवा दे, एक काली एक काल भच्छनी। फिकर मत कर, एक दिन बाबा जी का जरूर पूर्ण होगा। अगर महाराज न मिले तो राज कुमारी मेरी और इस अलकापुरी का महाराज आई एम बादल सिंह। चला इस अलकापुरी रियासत का हम मंत्री बन जाऊंगा और वो बन जाएगा बादल सिंह महाराज। चलो हम भी चले इसी खुशी में। कहना क्या है, अरे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कानी है, हम जंगल पहुंच चुके हैं। चलो ढूंढते हैं कि आखिर हमारे पिताजी हैं कहां पर। चलो और आगे चल कर देखें। छोटू यहां तो कहीं भी हमारे पिताजी नजर ही नहीं आते। कहीं तो नहीं आ रहे। आवाज लगाओ, हो सकता है तुम्हारी आवाज उन तक पहुंच सके। महाराज आप कहाँ हो? चल मेरे साथ और आगे चल कर देखते हैं। चलिए हर को
भटकना पड़ा है, मुसीबत में मुझको भटकना पड़ा है, लहू अलकापुरी है अपना ठिकाना। हाँ डरिए मत, मेरा नाम मीना है, मैं एक नाटककन्या हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हैं? उरी कहो मुसाफिरी काओ नी हो जो आए इसी था तो कहूँ क्या मैं आपसे गिरी है सर पे कहूँ क्या मैं आपसे क्या आपके पिताजी खो गए? जी हाँ। मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? हाँ। कैसा वादा? तो पहले शादी का तुम मुझसे वादा करो, फिर विश्वासी हो आप ये बाकी का उरी हंस के मुझको गले से लगा ली। पहले आप शादी करिए मुझसे। नहीं देवी जी, तो पहले शादी बना तुमसे वादा करूं, तो पहले शादी बना तुमसे वादा करूं, भेद बापू का जब तक जाता
जब अपने पिता को पाओगे तभी तो यहाँ जाओगे। देवी जी, क्या आप हमारे पिताजी को जानती हैं? हाँ, मैं आपके पिताजी को जानती हूँ। तो कहाँ है हमारे पिताजी? आप मुझे हमारे पिताजी के पास तक ले जाएं। आइए, मैं बता रही हूँ। थोड़ी दूर और बचाए। पिताजी, हे भगवान, ये क्या हो गया? चलिए इनको अपने मंत्र से फोर्स मिलाती हूँ। लड़की होकर तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ, मैं तुम्हें शराब दे रही हूँ। प्रेसिला टेढ़ी चोटी पर की घूमरी घास का रस, जब तक घोड़े की आंखों में नहीं लगेगा घोड़ा सदा सदक लिए अंधा रहेगा। टंकनी गुफा काल कुंड का जल, जब तक महाराज के मस्तक में नहीं लगेगा जब तक महाराज पत्थर के रहेंगे। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। भगवान के लिए अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं बात सही कह रही हूँ, मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसा श्राप दे दिया? आखिर अब क्या होगा? पिताजी भी मिले तो भी उनके लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मुझे करना पड़ेगा। आखिर कौन लेकर आएगा प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घूमरी घास दक्षिणी गुफा का जल? अब मैं चलती हूँ अपने राजा से वापस।
हाँ भले काफी बंद हो गया है। हाँ भले अभी तक जांच हमारी अब मैं पिताजी का पता लगा कर आई नहीं है। अभी तो नहीं है। इंतजार करते करते मैं थक गया हूँ। क्यों ना भले आओ थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। जी क्या हुआ महाराज मिले? जी हाँ पिताजी तो हमारे मिले। मैं आपके साथ तुम्हें तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगी। चलो सबसे पहले वापस राजमहल चलते हैं। आइए हम राजमहल चलो। राजकुमारी नहीं राजकुमारी ने कहा कि महाराज मिले लेकिन कुछ बताया नहीं। सिर्फ यही कहा कि राजमहल चलो मैं सब कुछ बताऊंगा। अरे अब तो राजमहल आ गए। राजकुमारी सुलेखा जी आएगी तो खुद बताए मिलेगी। हम तो कहते भगवान करे मिल गए। भगवान करे महाराज ने मिले हो। चल कुर्सी लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर महाराज है कहाँ पर? चाचाजी पिताजी तो हमारे मिले लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा मुझे करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा? जी हाँ। बल्कि समझे नहीं आप किस प्रतिज्ञा की बात करती हैं? पूरे नगर में ऐलान करवा दिया जाए कि प्रेमशिला टेढ़ी चोटी पर की घुंघरी घास रंगली गुफा बालकुंड का जल जो कोई लाएगा ये राजकुमारी सुलेखा उसी के साथ शादी रह जाएगी। इस राजपाट का आधे का अधिकार रहेगा उसे। रंगली गुफा बालकुंड का जल प्रेमशिला टेढ़ी पर की घुंघरी घास जी हाँ जो लेकर आएगा उसके साथ तुम शादी रचोगे? हाँ चाचा। और वो इस राज का अधिक का हिस्सेदार होगा? जी हाँ। राजकुमारी अरे कैसी प्रतिज्ञा ठान ली है आपने? कैसी बैठी बैठी सी बातें करती है? आखिर कौन है माइकल लाल जो तुम्हें कंकली गुफा कानपुर का जल और प्रेस टेढ़ी पर की घुपड़ी घास लगकर देगा? मिला रही हूँ राजकुमारी। आज ये बात अपनी दिल की बात तुमसे जरूर कहेगा राजकुमारी। बोलो आखिर क्या बोलना चाहते हो?
मन लगा भी सके। मंत्र जी ऐसी बात नहीं है। तो थान जो है मेरे धानी आपको क्या कमी। नागन की श्राद्ध राजकुमार जी, अरे क्यों तड़पा रही हूँ? ए बादल सिंह, तुम्हारा चाहने वाला है, मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ मेरी प्रणाली बनकर रहो और छोड़ो ये एक जवानी चार दिन की है, मौज मस्ती से रहो। अरे क्यों तड़पा रही हूँ मुझे ये जवानी दीवानी की तड़पा रही, ए जवानी के चुनी है लहरा नहीं मुझे। आ जाओ मेरी बाहों में मंत्री जी, ऐसा कभी नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो ये जवानी दीवानी जो है क्यों ना इतना सिखा रही मेरे
फरमान दो जिसकी मुझे दरकार है, तो मेरे बाबू के कोना दरस खा रही। जब तक मैं शादी किसी से नहीं कर सकती। राजकुमारी जी, अब प्रतिज्ञा छलकर अपनी जवानी को क्यों मिट्टी में मिला रही हो? मैं तो कहता हूँ तुम मेरी पटरानी बनकर रहो, हम यहाँ का महाराज और तुम हमारी महारानी। राजकुमारी, समझा रहा हूं तुम्हें, किसी को नहीं मालूम है, कोई माई कला नहीं है इस संसार में जो तुम्हें कंकरी गुफा खाल खुल का जल और प्रेस लटकरी पर के घुमरी का ला कर दे सके। जब मैंने प्रतिज्ञा किया है तो इसे पूर्ण ही करूंगी, मैं छत्री हूं। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो जाती है, जब तक मैं शादी दो किसी से नहीं कर सकती, और पूरे लग में ऐलान करवा दो कि प्रेम सिला टेढ़े चोटी पर की घूमरी घास जंगली गुफा काल खुन का जल, जो कोई लाएगा ये राजकुमारी सुलेखा उसी के साथ शादी रचाएगी और इस राजपाट का आधे का हिस्सेदार होगा। ऐलान करवा दिया जाए और मैं चलती हूँ अपने बेडरूम में। बादल सिंह इसे भी पटवन ने बनाया तो अब हमें आपको ठाकुर नहीं कह जाएगा। ठाकुर नहीं कह रहा से मना रहे, प्यार से मानी नहीं रही, ऊपर से ऐलान वो भी भगत सिंह कहते हुए इस राज का उत्तराधिकारी है, ऐसा हो नहीं सकता है। खैर राजकुमार ऐलान करने के लिए कहा है तो फटाफट सारे अलकापुर को ऐलान करवा दे कि जंगली गुफा काल खुल का जल अब प्रेसिडेंट के ही पल के घुमरी घास जो लेकर आएगा उसके साथ राजकुमारी से रेखा शादी रचाएंगी। अरे तो आप ही चले जाओ, ले आओ, कोई नहीं जा सकता वहां, क्यों आ जाते हैं? जिंदा डाल दिया जाता है। ये पाल भैया तब तो फिर ऐलान करो, जब कोई जावे ना गई तो एक दिन राजकुमारी से रेखा उनके जब जी उग जाए खुद कहे राजकुमारी मेरी रहेगी और ये अलकापुरी पर अपनी ही हुकूमत चलेगी। आपका मंत्री बनाओ जल्दी। अगर मेरा कहना करेगा, मेरा कहना करेगा तो तू यहाँ का